वेलकम स्टूडेंट्स आज हम क्लास एट मैथ्स की चैप्टर नाइन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ की एम सी क्यू क्वेश्चन करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट right साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वट इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन तो बच्चों आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्सिशियट ऑफ एक्स देखिए इसमें थ्री टर्म्स दी हुई है एक्स स्क् माइनस एक्स प्लस वन तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स के आगे जो भी नंबर है वही इसका कोफिशियंट है तो गैस करिए क्या होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी माइनस वन क्वेश्चन नंबर टू हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोम में कितनी टर्म्स हैं है? हमें यह बताना है तो देखिए देर आर थ्री टर्म्स एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स और थ्री तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी थ्री ओके नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट आर द कोफिशियंट्स ऑफ वाई इन एक्सप्रेशन फोर एक्स माइनस थ्री वाई वट आर द कोफिशियंट्स ऑफ वाई इन एक्सप्रेशन फोर एक्स माइनस थ्री वाई तो वाई का आपको कॉफिशियंट बताना है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए वन बी फोर सी थ्री डी माइनस थ्री तो देखिए वाई के आगे क्या नंबर लिखा है माइनस थ्री सो इट्स करेक्ट आंसर इज माइनस थ्री डी ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर सेकेंड का आंसर क्या था बेटा हाउ मेनी टर्म्स तो सी और फर्स्ट का आंसर आपका माइनस वन था फोर्थ क्वेश्चन देखिए द एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट थ्री टाइम्स एक्स मोर देन सेवन इज थ्री टाइम्स एक्स थ्री टाइम्स एक्स का क्या मीनिंग हो गया थ्री एक्स मोर देन मतलब आपको ऐड करना, करना है उसमें कितना ऐड करना है सेवन तो थ्री एक्स प्लस सेवन तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी थ्री एक्स प्लस ओके तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा ए बी और डी जो है उसके गलत ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए द स्टेटमेंट फॉर एक्सप्रेशन फाइव एक्स माइनस सेवन तो आप गेस करिए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फाइव एक्स माइनस सेवन तो फाइव टाइम्स एक्स कितना लेस हो रहा है सेवन आपको इसमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें फाइव टाइम्स एक्स लेस देन सेवन आई थिंक कोई भी नहीं है इसमें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा नन ऑफ दी अब अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आइडेंटिफाई दिन एट माइनस एक्स प्लस इट्स करेक्ट ऑप्शन इज देखिए जीरो वन माइनस वन और एट तो एक्स के आगे क्या नंबर है माइनस वन इट्स करेक्ट ऑप्शन इज माइनस वन सी नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेवन सेवेन फोर पी स्क्र क्यू माइनस थ्री इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और नंबर ऑफ टर्म्स के बाद आपको देखना है कि इसका जो स्पेशल नेम है वो क्या है फोर पी स्क्र क्यू वो एक सिंगल टर्म हो गई थ्री जो माइनस थ्री वो एक सिंगल टर्म तो कितनी टर्म्स होगी टू टर्म्स और टू टर्म्स अ हैविंग टू टर्म्स इज बाइनोमियल सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी बाइनोमियल नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट द सम ऑफ एम एन प्लस फाइव माइनस टू एंड एम एन प्लस इनको आपको ऐड करना है ऐड कैसे करते हैं इसमें मैं साइड में थोड़ा बता देती हूं आपको एम एन प्लस फाइव माइनस टू और क्या है एम एन प्लस थ्री तो इनको आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है आप ऐड करेंगे इनको तो देखिए माइनस टू माइनस टू फाइव माइनस टू कितना होता है बच्चों थ्री तो थ्री प्लस थ्री यहाँ पर भी टू और आ जाएगा यहाँ पर फाइव प्लस थ्री एट 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 और ये हो जाएगा आपका प्लस में आ गया टू एम एन और एट माइनस टू कितना होता है सिक्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो गया टू एम एन प्लस सिक्स टू एम एन प्लस सिक्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट है नौ द कॉन्स्टेंट टर्म इन एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है जो नंबर होता है अब वेरिएबल्स में इसमें थ्री टर्म्स हैं एक्स स्क् एक्स और वन तो वन कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसमें वन तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन राइट द राइट एक्सप्रेशन फॉर राजूज एज इज एक्स हिज फादर इज फाइव ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स राजूज एज तो इसमें देखिए फाइव जो फादर की एज है वो फाइव ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स राजूज एज और राजू की एज क्या है एक्स राजू की एज एक्स है तो फाइव ईयर्स मोर देन थ्री टाइम्स राजू एज तो राजू की एज क्या हो जाएगी थ्री एक्स और उससे कितनी ज्यादा है फाइव प्लस फाइव तो देखिए कोई ऑप्शन है इसमें थ्री एक्स प्लस फाइव यस ए ऑप्शन थ्री एक्स प्लस फाइव तो टेन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है थ्री एक्स प्लस फाइव नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन द कोफिशंट ऑफ वाई क्यूब इन द एक्सप्रेशन वाई माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्र इज वाई स्क्र वाई स्क्र के आगे देखिए क्या है वॉट इज रिटर्न माइनस वन तो इसका जो कॉफिशियंट होगा वाई क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस वन तो करेक्ट ऑप्शन इज माइनस वन डी डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्रेशन एक्स एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तो एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड क्या है बच्चों एक सिंगल टर्म है दैट इज मोनोमियल तो सिंगल टर्म मोनोमियल टू टर्म्स बाइनोमियल थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल ओके तो एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड इज मोनोमियल सिंगल टर्म है इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है सम ऑफ थ्री एम एंड टू एन तो देखिए दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो जस्ट वी एड थ्री एम प्लस टू एन तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों ए थ्री एम प्लस टू एन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी तो हमें सब्ट्रेक्ट करना है ए माइनस बी को फ्रॉम ए प्लस बी तो फर्स्ट वी राइट ए प्लस बी और उसमें से हमें सप्ट्रैक्ट करना है ए माइनस बी तो बच्चों इसको सॉल्व करिए तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए से ए कैंसिल हो गया तो आप देखिए इसमें क्या बच गया आपका टू बी तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आप बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन यस करेक्ट ऑप्शन इज नाउ टू बी तो सी सी इज द करेक्ट आंसर टू बी नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टीन क्वेश्चन सम ऑफ एक्स वाई कोमा एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस एक्स वाई इज तो हमें यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ थ्री टर्म्स एक्स वाई फर्स्ट इज एक्स वाई देखे कैसे करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई आप देखिए लाइक लाइक टर्म्स देखिए लाइक और एक्स वाई और एक्स वाई लाइक टर्म्स है तो टू एक्स वाई ठीक है और x एक सिंगल टर्म है और y प्लस वाई तो आपका आ जाएगा टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई तो इट्स करेक्ट आंसर इज ए ए इज द करेक्ट आंसर टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई तो बच्चों आज हमने एल्जेब्रेक एक्सप्रेशन के फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि एम सी क्यू थे और आपको इसमें कुछ हमने टॉपिक्स भी बता दी ए, कुछ इसमें कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे आपको जैसे मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल और हाउ टू एड हाउ टू सब्टेक्ट एल जे ब्रेक एक्सप्रेशन हाउ टू फाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ coefficients ऑफ गिवन वेरिएबल नेक्स्ट ठीक है बच्चों इसके बाद देखिए फिफ्टीन क्वेश्चन है आप इनको ट्राई करिएगा खुद सॉल्व करिएगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच